तो एक नंबर एक नंबर. अच्छा दिस वन. यस इट रिमाइंड्स मी द गतपुरी वाला विला. चलो अभी रूम देख. तो गाइस अभी गाड़ी का थोड़ा पेट भरते हैं. हम लोग ने कुछ खाया नहीं है पर गाड़ी को तो खाना देना पड़ेगा थोड़ा. तो अभी पेट्रोल डालते हैं फटफट, देखते कितना बैठता है. वैसे इसकी टाकी 40 लीटर की है. खोल लो. 2500 तो डाल. 2500. हाँ. What's up people? My name is Sid. एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल स्टूडियो. तो रिसेंटली हमने हमारे चैनल का नेम चेंज कर दिया है, वी यूनिक से ट्रैवल स्टूडियो कर दिया, क्योंकि वी यूनिक वॉजेंट मच रिलेटेबल टू द आवर नीश. तो एक ट्रैवलिंग के वीडियो हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ने ट्रैवल स्टूडियो रख दिया. तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करो, थोड़े बोल, शेयर करो, लाइक करो. और अभी हम लोग पुणे एक्सप्रेस हाईवे लगेंगे जल्द, मतलब लगेंगे अभी. हाँ अभी उसके नीचे है. तो अभी हम लोग एक्चुअली 5 बजे उठे थे कुछ तो, पर अभी 8:30 हो गए, 9 हो गए कुछ तो अभी इधर पहुँचने के लिए. तो अभी फटाफट चलते हैं. और हम कहाँ जाने वाले हो तो तुम्हें पता ही चलेगा टाइटल में, तो इस कि बताने की तो ज़रूरत नहीं है. पूरा व्लॉग देखो और देखते रहो यार. फूड कोर्ट में रुके, बहुत भूख लगी थी हमें. कोटा देख अंडा था पर ही नहीं है मुझे. तो अभी कुछ तो खाते हैं फटाफट, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास और बाद में निकलते, क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हुआ और लेट भी बहुत हुआ है, क्योंकि हम लोग को 1 बजे तक पहुंचना था. कब पहुंचते 1 बजे, जब 5 बजे निकलते सुबह के. तो 8 बजे निकले, 3-4 बजे पहुंचेंगे तब तक उधर सनसेट हो गया रहेगा, तो हम लोग सनसेट पॉइंट चले जाएंगे. चलो यार चलो फटाफट चलो, बहुत हुआ कुछ. कॉफ़ी पी रहे हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सो दैट आगे हम लोग को जल्दी पहुँचने का टाइम मिले. और बहुत लेट हो गया है, और मतलब हम लोग का जो टाइम मैनेजमेंट था तो उस हिसाब से तो नहीं हो पाया. तो अभी हम लोग एक्चुअली उधर हमेशा रुकते हैं मैकडी में वगैरह, बट ये टाइम हम लोग यहाँ पर रुके, थोड़ा कम खर्चे में कराना, क्योंकि उधर बहुत सारी चीज़ें खानी है और बहुत मस्त मस्त चीज़ें खानी है. हम लोग अभी ये घाट चालू हो चुका है महाबलेश्वर के, और इसकी अभी फटी पड़ी है. और अभी हम लोग को 1 घंटा है पहुंचने के लिए. 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा है. तो आप घंटा बजाना मत भूलिएगा. जो YouTube का सब्सक्राइब के बाजू में घंटा है वो दबा दो गाइस, तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे 1 घंटे में.
और हिमालय नहीं हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, पर हमारा सामान इतना है ना कि मतलब हम लोग ने कैंसिल किया। और पिछले बार सामान बताए आपको जाने दो, इतना पसारा है कि पूछो मत। और पिछले बार हम लोग माथेरान में जो गिरे थे तभी से भाई इफ तुम लोग ने वो ब्लॉग नहीं देखा है ना तो एक बार देख लो माथेरान वाला ब्लॉग, उसमें तो कितना सा छोटा सा घाट था तो भी हम लोग गिर गए थे अभी। अरे एक्चुअली वो छोटा सा नहीं, वो इसलिए ही वो एक्चुअली हम लोग ने जीरो टर्न मारा जहाँ पे हम लोग को फुल टर्न माना था। इधर बहुत जगह है देख टर्न मारने, पर उधर नहीं था टर्न मारने इतना जगह। वो तो है, इधर देख कितना बड़ा है ये टर्न है, तू आराम से लेने तो बड़े में जाएगा बाहर ही चला जाएगा। तभी हम लोग अंदर अंदर गिरे थे, बाहर गिरे। हाँ ना, ए बाबा बाइक की गाड़ी है भाई, जान से बड़ी बाइक की गाड़ी है। अंदर से ही ले, मतलब थोड़ा डर नहीं लगेगा। डरना मना है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। बट फिलहाल हम लोग पी रहे हैं सेवन अप। एक्चुअली हम लोग ने ना वो वड़ा पाव जो खाया ना उसके बाद में कुछ खाया ही नहीं, बिकॉज मुझे पता था ये जो ऐसे 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 वाले घाट है उधर सब निकल सकता है। लग रहा है मेरे को, मतलब हाँ वन वे ही है। अरे तो क्या सीन है, तो कुछ सीन नहीं है, माथेरान में टू वे था इसलिए फट रही थी। नहीं नहीं ये वन वे ही है, बट आगे जाके बहुत बड़े बड़े घाट, मतलब ये मैं बोली ना तुझे तू चला पाएगा, देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल तू थोड़ा आराम से चला, अपने को आदत नहीं है इसकी। और अपन के पास कार है, बाइक नहीं है, सो दिस इज वेरी सेफ फॉर अस। पर ये देख ना ये अंकल हीरो होंडा चला रहे, और विदाउट हेलमेट, पीछे तो स्कूटी बंदा है, बंदा बाइक वाले पीछे बंदा स्कूटी ला रहा है। ये देख अभी धीरे धीरे चालू हो जाएगा, ये देख बड़े बड़े टर्न, बट मुझे नहीं लग रहा इतना होगा, बट स्टिल पता नहीं ना, मैं तो बहुत पहले आई थी, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हाँ सिद्धेश का फर्स्ट टाइम है ये, वो व्यू देखो पीछे, तू मत देख, मतलब क्या बोलूं इसको, मैंने नहीं देखा तूने। तो गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स दिखा रहे हैं, और ये अभी देखो ये फुल दिखने चालू हो गए होटल्स। एक्चुअली हम लोग दो एक्चुअली 3 रास्ते थे, तो हम लोग वाई थ्रू नहीं गए, वाई एक जो लगता है ना वहाँ से बहुत सारे बसेस वगैरह जाते हैं, और एक ये जो रूट है यहाँ से, मतलब ये पूरा विलेज वाला रास्ता है और ये बहुत सेफ है, बिकॉज ये रास्ते पे ज़्यादा घाट लगे ही नहीं, पूरा गांव वाला रास्ता है, और ये जस्ट फॉर 5 मिनट का घाट रहेगा ये बस ऊपर चढ़ने के लिए। आई थिंक ये ना शॉर्टकट है, ये पूरे माथेरान का या पंचगनी का आप बोल सकते हो, इस शॉर्टकट में पहुँचा दिया इन लोग ने, मतलब मैप ने, गूगल मैप खुद कभी कभी अच्छे भी चीज़ें कर लेता है। 100 meters, your destination will be on the right. डेस्टिनेशन माउंट व्यू, इधर पैरा सीलिंग और पैराग्लाइडिंग भी है आई थिंक, पैराग्लाइडिंग सीलिंग में ना। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं, योहो अपलाइडिंग तो ऐसे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि होटल जो बुक किया है वो बहुत अच्छा है, और लेट्स सी कैसा है। मेरे को भी लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा, पहले हम लोग बुकिंग चेक करते हैं अंदर। मैंने कॉल करके बता दिया उसको, वी आर कमिंग लेट करके, ऐसा कोई इशू नहीं है। पैसा नहीं भरते तो वो लोग कॉल करते, अरे भाई आ रहे हो ना आ रहे हो ना।
रोना अभी पैसा भरा है ना, आओ या नहीं आओ चलेगा, रूम तो खाली जा रहा है। चलो भाई, चलो देखते हैं अभी। हम लोग का सामान देखो, ये देखो पीछे का आपस आ रहा, इतना सब सामान हम लोग लेके आए फॉर 3 days और ये बाइक से आने वाला था और बाइक से इतना सब सामान सर पे रखने वाला था। चलो उतरते अभी, बैठ बैठ के। टेबल टेनिस पर आए एंड ओह माय गॉड, मनस्वी व्हाट्सएप चीज पे चल रहा है। तन्मय हो गया था ना तो मजा आता है यार। और ये देख स्कूल कॉलेज में खेलते थे हम लोग टेबल टेनिस। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, मतलब ना के वे ग्रेट जॉब मनस्वी, ग्रेट जॉब। और अभी हम लोग तो इधर टाइम स्पेंड कर सकते हैं पूल में, थोड़ा नहीं बहुत अभी गर्मी भी है। हाँ ना, मैं तो इधर ही रहने वाला हूँ आज तो। ये देख छोटा जकूजी भी है। I hope वो हमारा रूम रहेगा। I hope so। नहीं पूल साइड नहीं है। नहीं है क्या पूल साइड? और ये देखो ये है, ये रात को बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। और वहां से ये देख वो डैम भी दिख रहा है। ये देखो अभी इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है बट दिख रहा है। है पर सेक्सी है। डैम व्यू है। ऑफ कोर्स मैंने किया है बुक तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। एक नंबर जगह है, बहुत अच्छी लगी मेरे को तो। ग्रेट जॉब मनस्वी, ग्रेट जॉब। तुम भी यहाँ, आई मीन वी विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस प्लेस। अभी फूड का मेरे को पता नहीं हाँ। फूड का कैसे, लेट्स सी कैसा और रूम भी अंदर है। कैसे है पर बाहर तो एक नंबर, एक नंबर। अच्छा जेन्युइनली स्पेशली दिस वन। यस, इट रिमाइंड्स मी द इगतपुरी वाला विला। चलो अभी रूम देखते हैं फटाफट। यस लेट्स सी, चेक इन करते हैं। हाँ चेक इन करते हैं फिर सामान ऊपर लेके जाते हैं। बंद करना सो यू कैन प्ले योर सब्सिडी कैरम चेस। नाइस, टाइम स्पेंड कर सकते हो आप यहाँ पे। ये सबसे अच्छी है यार, बहुत बड़ी है। Thank you.
छोटू सा और स्वीट, और यहाँ से माउंटेन व्यू है। लेट्स सी द वॉशरूम। Scaly skin is a bonus for the panel. Nice job. गाइज हम लोग ये वाला ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग होगा कुछ इंटरेस्टिंग, सबके फेवरेट चीज़ी होगा, चीज़ी, यस चीज़ी होगा, और लेट्स सी। बट इफ आप लोग ने ये ब्लॉग देखा रहेगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर बटन, कमेंट, सब्सक्राइब, और हाँ जैसे कि हम लोग का नाम चेंज किया, इट्स अ ट्रैवल स्टूडियो नाउ, तो प्लीज़ टैग करें हर एक, मतलब सॉरी शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो, और दोस्त लोग को भी दिखाओ, बस हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल व्लॉग्स ही दिखाएंगे कि किधर जाना चाहिए, कैसे जाना है एंड एवरीथिंग। तो या दैट्स इट, चलो बाय बाय, सेकंड व्लॉग में मिलते हैं।